हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेसिफाई। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की फेमस सिटी दिल्ली को दुनिया की मोस्ट पॉपुलर और लग्जरियस सिटी दुबई के साथ कंपेयर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों सिटीज की जीडीपी, पॉपुलेशन, एयरपोर्ट से लेके लिटरेसी रेट जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों सिटीज में कंपेरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का इतिहास 1649 का है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को मुगल सम्राट शाहजहां ने बसाया था। उस समय दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद होता था। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली क्षेत्र महाभारत के इंद्रप्रस्थ शहर से संबंधित है, जिसके अनुसार यह पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली का ऑफिशियल नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जिसके अंदर भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली शामिल है। वही अगर दुबई की बात करें तो 1960 से पहले दुबई का एरिया एक रेगिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में यहाँ पे तेल की खोज हुई थी और उसके बाद दुबई का एरिया डेवलप होना शुरू हुआ था। फिर अगले 50 सालों में दुबई दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनकर उभरा। दोस्तों, अगर जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और जीडीपी पर कैपिटा 5,200 डॉलर्स है। वही दुबई की जीडीपी 108 बिलियन डॉलर्स है और दुबई का जीडीपी पर कैपिटा 35,000 डॉलर्स है। एरिया की बात करें तो दिल्ली का एरिया 1,484 स्क्वायर किलोमीटर है, वही दुबई का एरिया 4,114 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि दुबई सिटी दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ी है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन 2.9 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,312 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, वही दुबई की पॉपुलेशन केवल 32 लाख है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुबई की कुल पॉपुलेशन में से 43.3% इंडियंस, 23% इमराती यानी कि दुबई के नेटिव लोग, 17% पाकिस्तानी, 7.5% बांग्लादेशी, 4.2% फिलिपिनो, 1.5% श्रीलंकन, 0.3% अमेरिकन और 5.2% दूसरे देशों के लोग रहते हैं। दुबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 410 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, अगर रिलीजन की बात करें तो दिल्ली में 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम्स, 3.77% सिख, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वही दुबई एक इस्लामिक सिटी है और इस्लाम यहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन है। वही बाहरी लोगों में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लोग भी यहाँ पे रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में आपको पराठे, स्ट्रीट चाट, बटर चिकन, कबाब, छोले भटूरे, चिकन बिरयानी, चिकन चंगेजी, निहारी, मोमोज, वेजिटेबल कटलेट्स, कराची हलवा, दाल बुखारा और जलेबी खाने को मिल सकती है। वही दुबई में आपको मोनुशे, ईरानियन संगक, चेलो कबाब, ताबोले, अल हरीस, अल मजबूस, कोशा माशी, शिरिन पोलो, बाबा गनोश, फतेह, कैलाज, फलाफिल, फटूश, शीश ताउक, लहंबल अजीन, महलाबिया, लुकेमत, ताबून ब्रेड और कनाफा खाने को मिल सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो दिल्ली में एक व्यक्ति का औसतन खाना 100 रुपए में मिलता है, वही दुबई में एक व्यक्ति का औसतन खाना 500 भारतीय रुपए में मिलता है। एक लीटर वाटर बॉटल दिल्ली में आपको 20 रुपए में मिलती है, वही दुबई में आपको 50 भारतीय रुपए में मिलती है। दिल्ली में एक व्यक्ति की औसतन सैलरी टैक्स कटौती के बाद 41,000 रुपए होती है, वही दुबई में 2,30,000 भारतीय रुपए होती है। एक अच्छे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की एक नॉर्मल टिकट दिल्ली में औसतन 300 रुपए में मिलती है,
वही दुबई में 800 भारतीय रुपए में मिलती है। एक नॉर्मल रूम का सिटी के सेंटर में एक मंथ का औसतन किराया दिल्ली में 16,000 रुपए होता है, वही दुबई में 1,10,000 भारतीय रुपए होता है। एक लीटर पेट्रोल दिल्ली में लगभग 72 रुपए प्रति लीटर में मिलता है, वही दुबई में 40 भारतीय रुपए प्रति लीटर में मिलता है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो दिल्ली में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ पे हिंदी के साथ पंजाबी और उर्दू को भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। दिल्ली में 80.94% हिंदी, 7.14% पंजाबी, 6.31% उर्दू, 1.50% बंगाली और बाकी के 4% भारत के अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दुबई की बात करें तो अरबिक लैंग्वेज दुबई की ही नहीं तो पूरे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दुबई में इमरातियों के मुकाबले दूसरे देशों के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पर्शियन, सिंधी, मराठी, तेलुगु, टैगलॉग और चाइनीज भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2017-18 में 6.5 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था और यह एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बिजीएस्ट और दुनिया का 25th बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। वहीं दुबई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 2017-18 में 8.8 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते 2018 में दुबई दुनिया का चौथा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बना था। लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो दिल्ली का लिटरेसी रेट 86.21% है, वही दुबई का लिटरेसी रेट 95% है। चलिए दोस्तों अब कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। दिल्ली में आप रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लोटस टेंपल, लोधी गार्डन, अक्षरधाम टेंपल, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, कनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं टॉम, जंतर मंतर और चांदनी चौक जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। वही दुबई में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई म्यूजियम, दुबई क्रीक, जुमेरा मस्जिद, शेख जायद रोड, दुबई एक्वेरियम, बुर्ज अल अरब, जुमेरा बीच, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, आईएमजी वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, दुबई मरीना, दुबई डॉल्फिनेरियम और पाम आइलैंड जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। चलिए दोस्तों आखिर में इन दोनों सिटीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट है। इस म्यूजियम में आपको दुनिया और देश के अलग अलग टॉयलेट्स के पिक्चर और मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 4,500 साल पहले से लेके अब तक के टॉयलेट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आई है कि दिल्ली में हर साल 10,000 लोगों की केवल प्रदूषण के कारण मौत हो जाती है। मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद दिल्ली में ही स्थित है। यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की कुतुब मीनार पत्थरों से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इस कुतुब मीनार की लंबाई लगभग 72 मीटर है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में लगभग 200 ट्रेन है जो रोजाना लगभग 69,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब बात करते हैं दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दुबई का पाम आइलैंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद इंसानों के द्वारा बनाया गया दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पे डिपेंडेंट है और तेल खत्म होने के बाद दुबई बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यह बात गलत है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान केवल 6% है। इस सिटी का बाकी का पैसा टूरिज्म और रियल एस्टेट से आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुबई में क्राइम रेट 0% है क्योंकि वहां पे शरिया कानून लागू है, इसीलिए दुबई को दुनिया की सेफेस्ट सिटी में गिना जाता है। दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग 2010 में बनकर तैयार हुई थी, तब से यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है।
यह बिल्डिंग 828 मीटर ऊंची है और इसमें 160 फ्लोर्स के साथ दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट लगी है। इस बिल्डिंग को 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कौन सी सिटी अच्छी लगी, दिल्ली या फिर दुबई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने बनवाया था। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओगे। अगर आपको और भी किसी दो टॉपिक पे कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।